सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने एक वीडियो के बारे में सोचा था। पहले मैंने सोचा था कि ये मैं वीडियो करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत पेशेंस की ज़रूरत थी, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वीक तक मुझे ये बनानी थी वीडियो, तो मेरे को होता है कि जैसे वीडियो बनाई और जल्दी से अपलोड कर दी। बट इसके लिए मुझे पूरा हफ्ता रुकना पड़ा, क्योंकि डे बाय डे मुझे वो चीज़ करनी थी एंड देन आपके साथ शेयर करनी थी कि ऐसा क्या करती हूँ। तो गाइज़, वो वीडियो आप जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, व्हाट आई एट इन अ ब्रेकफास्ट फॉर अ वीक। सो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने हर हफ्ते ब्रेकफास्ट में क्या खाया टू लूज वेट ऑल्सो, बिकॉज वेट मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया है आफ्टर प्रेगनेंसी। सो अब मुझे अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाती हूँ और एक हेल्दियर ऑप्शन, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया, तो वो मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया है कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में अपना वेट लूज़ करने के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन क्या क्या करती हूँ, जो कि मैंने सारी वीडियो बना रखी है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको इसमें से हेल्प होगी तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो गाइज़, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, और लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि औरों की भी हेल्प हो पाए। सो ऐसा नहीं होता कि मतलब हर टाइम ब्रेकफास्ट सेम ही रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको जैसे भी अकॉर्डिंगली अच्छा लगेगा आप वैसे वैसे खाना। बट जो मैंने खाया मंडे से संडे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम एक बाउल में सूजी लेंगे एक कटोरी, और उसी क्वांटिटी में हमें दही लेना है। देन सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए इनको साइड रख देना है, ताकि सूजी सारा दही अब्जॉर्ब कर ले। आप देखेंगे कि काफ़ी थिक बैटर हो जाएगा। फिर आपको पानी डाल के इसको पतला, ज़्यादा पतला नहीं करना है, एक थिक बैटर बनाना है। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और वेजेस आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनियन, टमाटोज़ एंड पनीर लिया था। आप जो मर्ज़ी डालें, जो आपका मन है। देन उसके बाद आपने वो बैटर उसके बीच डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक पैन लेना है, उसमें आपको घी हल्का सा लगाना है उस पैन में। और जैसे हम पैनकेक्स बनाते हैं, वैसे आपको सूजी का उत्पम उस पैन में रखना है। एंड देन यू आर गुड टू गो। को पहले मैं उसको रोस्ट कर लेती हूँ, साबुदाना और मूंगफली को साथ में। देन उसके बाद मैं पटाटोस के अंदर डालती हूँ। और स्पाइसेस ना सभी डिशेस में सेम ही रहेंगे, नमक, हल्दी, मिर्च। इसके अलावा मैं और कोई स्पाइस यूज़ भी नहीं करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे पानी डाला ताकि पटाटो सॉफ्ट हो जाए। और देन जैसे ही पटाटो सॉफ्ट होंगे आपको खुद पता चल जाएगा। देन उसके बाद आपको जो आपने साबुदाने को रोस्ट किया होगा मूंगफली के साथ, वो आपने इसके बीच में डाल देना है। देन अच्छे से मिक्स करना, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। सो गाइज, नेक्स्ट डे मैं बना रही थी सनी साइड एग, जो कि मेरा फेवरेट है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस पैन में आपको एग ब्रेक करके डालने हैं। और आपको जो एग वाइट होता है वो नीचे से एकदम पैन फ्राई हो जाता है, और जो योक होता है आपको उसको कवर करके रखना पड़ता है, और वो ऊपर से मतलब पक जाता है योक अच्छे से। तो आप इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइसेस मत ऐड करिए, नमक और रेड चिलीज इनफ, वो भी इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देता है। सो गाइज़, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, और मैं इसको परांठे के साथ खा रही थी। और साइड में मैंने एक पनीर का क्यूब भी ले लिया था, क्योंकि बना हुआ था घर पे, तो ये इतना यमी बनता है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। सो गाइज़, हम बना रहे हैं आज पोहा। पोहा सिंपल मैं बना रही हूँ, जैसे मैंने एक बारी महाराष्ट्र में ऐसा पोहा खाया था, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
एक पैन में आपको या फिर कढ़ाई में आपको घी डालना है, उसके अंदर आपको राई डालनी है, देन ग्रीन चिलीज, देन अनियन, और अनियन को आपको एकदम से जैसे वो ब्राउन हो जाते हैं ना कुरकुरे टाइप, बिल्कुल कुरकुरे नहीं बट एक सॉफ्ट और क्रंचीनेस रहती है अनियन में, वैसा आपको करना है। देन उसके बाद स्पाइसेस ऐड करने हैं, मिर्ची एंड नमक, क्योंकि हल्दी हम डालेंगे जो हमने पोहा भिगो के रखा है उसके अंदर, उसको अच्छे से मिक्स करके जैसे हमारे प्याज हो जाएंगे तो हम पोहा को उसके अंदर डालेंगे, देन हमारा पोहा बन के रेडी है। और लास्ट में जब आप अपनी प्लेट में सर्व करेंगे तो आप प्लीज़ टमाटर और प्याज और नींबू ज़रूर ऊपर डाल के खाना, इतना टेस्टी पोहा बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना ये रेसिपी। सो गाइज, आज हम बना रहे हैं बेसन चीला। इसके लिए मैं ये एक 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मेरे को क्वांटिटी याद है कि आप एक बाउल में 2 स्पून के अराउंड बेसन लेंगे, देन उसमें कसूरी मेथी, नमक, मिर्ची एंड थोड़ी सी हल्दी, और पानी आपको अकॉर्डिंगली डालना है अपना, जितने बंदों का बना रहे हैं उस हिसाब से। जैसे मैं 1 पर्सन के लिए बना रही थी तो मैं अपने आइडिया से पानी डाल रही थी कि मुझे बैटर ज़्यादा थिक नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। सो मैंने बनाया, एंड देन जो बेसन चिले बनते हैं वो मेरे आप बोल सकते हो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट है जो मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बेसन चीले। सो गाइज, आज हम बना रहे हैं एग ब्रेड। इसके लिए मैंने 3 एग ब्रेक कर लिए एक बाउल में, देन उसके बाद मैं इसमें नमक, मिर्ची एंड अनियन डालूंगी और अच्छे से फेंट लूंगी। देन उसके बाद मैं इसमें इसको प्लेट में डाल के ब्रेड को मैं अच्छे से कवर करूंगी, एंड देन उसको पैन में डाल के फिर मैं जो मेरा एग बचा होगा उसको ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया था। सो गाइज, आज वीक का लास्ट डे है, संडे। इस दिन मैं मैक्सिमम यही खाती हूँ, ओट्स पोरिच। ये मुझे थोड़ा टेस्टी भी लगता है, तो मैंने इसके लिए सिंपली 1/2 कटोरी दूध में 1/2 कटोरी से थोड़ा सा कम 1/4 ओट्स डालिए, देन इसको मिक्स कर लिए। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहनी चाहिए क्योंकि खाने में थोड़ा मज़ा आता है। फिर उसके बाद मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया, देन उसके ऊपर टॉपिंग्स के लिए आपका जो मन करता है, जैसा फ्रूट आप खाना चाहते हैं, एप्पल, पेयर, बनाना, वट एवर आप डाल सकते हैं, और सीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास चिया सीड्स अवेलेबल थे तो मैंने वो डाल दिए, पम्पकिन सीड्स थे, एंड नट्स आपके पास जो भी अवेलेबल है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ना मैंने मिक्स एक बना के रखा हुआ है सभी नट्स का, सो वो, एंड मैंने थोड़ा सा ड्रिजल कर दिया था हनी। सो ये एक थोड़ा सा स्वीट ब्रेकफास्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। सो ये था मेरा ब्रेकफास्ट, इसको भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। गाइज, जैसे आपने देखा कि मैंने अपने पूरे ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया मंडे से संडे तक, तो अगर आपको गाइज वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो की रीच हो सके। सो आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।